रमजान के दौरान चुनाव की तारीख बदलने की कांग्रेस और अन्य दलों की मांग। मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का बयान आया है कि लोग रमजान पर मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं पर तारीख का ध्यान नहीं रखते। सर्वदलीय बैठक में लोगों ने वो तिथियां क्यों नहीं बताई चुनाव आयोग को, जैसे रमजान है वैसे ही चुनाव के दौरान हिंदुओं के त्यौहार हैं, अक्षय तृतीया और दूसरे अन्य त्यौहार भी हैं, इसलिए उनके साथ साथ हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखे चुनाव आयोग। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तब कहीं थी जब चुनाव की तिथियों का तारीख उनसे पूछी गई थी। तो इसे कैसे लेते हैं आप, इस मांग को बीजेपी कैसे देखती है? उनका कहना है कि इन तारीखों को बदला जाए आगे। सर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रमजान का प्रतिनिधित्व करने सर्वदलीय बैठक में बैठे थे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और सर्वदलीय बैठक में बैठकर शायद निर्वाचन आयोग अपनी तिथियों के बारे में मोटा मोटा सबकी सलाह और मशवरा के साथ करता है। लोग रमजान पर मुसलमानों की वोट लेना तो चाहते हैं पर मुसलमानों के त्योहारों का ख्याल नहीं रखना चाहते, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहते। दूसरी बात यह है कि त्योहारों की जो तारीखें तय की गई हैं मोटे तौर पर उसमें हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, जैसे बौद्ध पूर्णिमा 18 तारीख को, बौद्ध पूर्णिमा है 7 मई को जो है वो है अक्षय तृतीया परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया पर देश भर में अघोषित तौर पर लाखों विवाह सम्मेलन होते हैं बिना तिथि के, एक महापर्व इसको कह सकते हैं। और बौद्ध पूर्णिमा हो, गुरु नानक की जयंती है वो भी पूर्णिमा को पड़ती है, संत रविदास जी की जयंती है वो भी पूर्णिमा को पड़ती है। हिंदुस्तान में नर्मदा का तट हो, गंगा का तट हो, कावेरी का तट हो, सरयू का तट हो, जितनी भी पवित्र नदियां, इन नदियों पर 24-24 घंटे के बड़े बड़े मेले आयोजन करते हैं। लोग स्नान दानी पूर्णिमा के रूप में इनको पूजते और मानते आए हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग अगर उनके मत को भी ध्यान में रखता है तो हिंदू समाज के मतों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हिंदू समाज के मत के साथ एक परेशानी यह है कि हम पंचांग नियम से जब चलते हैं तो पंचांग में एक उदय तिथि है जिसको प्रारंभ तिथि कहते हैं, सूर्य उदय के साथ जो तिथि लागू होती है वो उस दिन होती है, और अगर मध्यकाल में कोई तिथि आती है तो उसे लागू नहीं करते, जब दूसरा दिन का सूर्य उदय होता है तब लागू करते हैं। तो निर्वाचन आयोग को भारत के हिंदू समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, वो दूसरों की रखे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सपा कांग्रेस तब कहां मर गई थी जब निर्वाचन आयोग ने उनसे तिथियां पूछी थी, केवल मुसलमानों से वोट लेने के लिए तो रोते हैं हम तुम्हारे हैं, लेकिन त्योहार और पर्व में कहां चले जाते हैं।